चलो चलो, ये तो बह गया। भाई लोग, अभी टाइम हुआ है 5:45। अभी जा रहे हैं तारामती पीक। अभी अपना आज डे टू है, देखते हैं। अभी बहुत चढ़ना है ऊपर तक, आपको कुछ दिख रहा नहीं रहेगा लाइट्स वाइट से। बच्चे लोग भी अपने आधे घंटे से ऊपर हो गया, ट्रैक करते करते आ ही नहीं रहा। अभी भी पहुंचे नहीं ऊपर, कुछ दिख रहा नहीं होगा ऊपर में। अभी टाइम हो रहा है 6:35। हम लोग पहुंच गए ऊपर, सनराइज का वेट कर रहे हैं। ऊपर में से शायद बहुत हल्की सी लाइट आ रही रहेगी। हम लोग एक मिडल पैच में बैठे हुए हैं। ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट में तो बहुत भीड़ रहेगा, उधर जाके मतलब भी नहीं। यहीं से देखेंगे सनराइज। यहाँ से कुछ 5 मिनट्स पे तारामती पीक, चाहते टाइम वहीं से जाएंगे। जा रहे हैं तारामती से कोकनकड़ा। ये रास्ता है, थोड़ा स्टेप्स लगा था बीच में और अभी आगे की ओर। हाँ, अभी तक पहुँचे नहीं है कोकनकड़ा, बहुत दूर है। अभी बहुत लंबे से चले थे, अभी देखते हैं और कितना टाइम लगता है। थोड़ा एक नींबू पानी का ब्रेक हुआ ऊपर हमारा, अभी जा रहे हैं आगे। मेला बहुत है चलने का। हेलो 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 भाई, महादेव का मंदिर। और यहाँ से आप नीचे आओगे तो आपको मिलेगा ये केव। इस केव में महादेव की पिंड है, बड़ी सी शिवलिंग है, बहुत बड़ा है।
पीने का पानी। ये अभी आप जो देख रहे हैं है, ये है पुष्करणी, अराउंड 25 फीट में डीप है। वहाँ पे विंडोज़ है, उसके अंदर भगवान की मूर्तियाँ थी पहले, अभी नहीं है। ये रहा तारामती पीक, ये अपना हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर, केदारेश्वर के नीचे शिवलिंग था केदारेश्वर के में, और कोकनकड़ा आप यहाँ से ऊपर जाओगे तो उस तरफ। अभी हमारा हरिश्चंद्रगढ़ तो घूम के हो गया, बट इसका नाम हरिश्चंद्रगढ़ क्यों है, ये राजा हरिश्चंद्र के नाम के ऊपर गिरा हुआ था। और पूरे फोर्ट पे आप देखोगे तो हर जगह पे शिवलिंग मिलेगा आपको, हर एक छोटे छोटे मंदिर में, हर एक केव में भी शिवलिंग मिलेगा, बट राजा हरिश्चंद्र का एक ही मूर्ति है और वो यहाँ पर है। ये महादेव का एक छोटा सा मंदिर है और ये मूर्ति है, आप देख रहे हो कि ये राजा हरिश्चंद्र के हाथ में वो एक मतलब पानी भरने का बर्तन जैसा कुछ है, हाँ उसको मराठी में कावड़ बोलते हैं। वो एक पीछे उनके कंधे पे रॉड है और यहाँ पे दो बर्तन हैं। तो स्टोरी ऐसा था, विश्वामित्र जो थे उनको राजा हरिश्चंद्र का सत्व परीक्षा लेना था, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ के गाँव से पानी लेके आना है वो बर्तनों में भर के, और यहाँ पे इस कुंड में भरना है। बट इसका इसके पीछे एक स्टोरी था कि वो कुंड में नीचे होल था, तो जिससे कि पानी भर ही नहीं रहा था। बट राजा हरिश्चंद्र थे शिवजी के भक्त, तो शिवजी प्रसन्न हो गए और ये जो कुंड है, कुंड में पानी ऑटोमेटिकली ऊपर भर के आ गए। तो बस, तो विश्वामित्र भी प्रसन्न हो गए। राजा हरिश्चंद्र की जो पत्नी थी उनके नाम पर ये तारामती पीक गिरा हुआ है, और उनका जो बेटा था रोहिदास, कोकनकड़ा से एक माउंटेन दिखता है ऐसा ट्रायंगुलर शेप में, वहाँ पे एक माउंटेन है उसका नाम रोहिदास है। वैसे तो पूरा फोर्ट घूमने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, मेन पार्ट तो कवर कर लिए, अभी नीचे चलते हैं। धन्यवाद साहब, धन्यवाद, धन्यवाद, अरे आजा आजा आजा।